हेलो फ्रेंड्स, नेट जीआरएफ का हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट आप देख लीजिए हिंदी। ये हिंदी जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके लिए है। प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी आपको जो है वीडियो लेके आए प्लीज़। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो होगा आपका नेट जीआरएफ एग्ज़ाम में जो आया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? देखिए अष्टछाप नाम से ही लग रहा है आठ कवि, ठीक है, यानी अष्टछाप के टोटल आठ कवि थे और ये आठ कवि आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ध्रुवदास। इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ध्रुवदास के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये हित हरिवंश जी के जो है कौन थे, शिष्य थे। हित हरिवंश जी के ये क्या थे, शिष्य थे। ध्रुवदास के बारे में अगर हम लोग और बात करते हैं तो ये छोटे बड़े कुल मिलाकर इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की थी। कितने छोटे बड़े, टोटल 40 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ठीक है, अब हम लोग अष्टछाप के कवियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आठ जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ये आपको याद होने चाहिए अष्टछाप के आठों कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है, यानी हनुमत चरित्र किसने लिखी है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी रायमल पांडे। रायमल पांडे जी ने हनुमत चरित्र जो है लिखी है और इन्होंने लिखा है सन 1639 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन देख लीजिए, जसवंत सिंह, पद्माकर, भूषण या मतीराम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा ललित ललाम जो ग्रंथ है वो मतीराम जी का है। किसका है? मतीराम जी। और मतीराम जी आप सभी को मालूम है क्या है, ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं, यानी जो ललित ललाम है ये मतीराम का एक रीति काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट या राजा लक्ष्मण सिंह। किसका नहीं है? ये भारतेंदु मंडल का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, भारतेंदु मंडल की हम लोग बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कवि आ जाएंगे? तो जो बाकी के तीन ऑप्शन है ये तो कवि होंगे भारतेंदु मंडल में, लाइक प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, साथ में राधाचरण गोस्वामी भी आप लिख लीजिएगा, क्या है, राधाचरण गोस्वामी जी हो जाएंगे। ठीक है, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे आपके। ठीक है, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे आपके, बापू तोताराम हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपके भारतेंदु मंडल के जो हैं लेखक हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जो रस कलश के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये जो आपकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर बात करते हैं ये लिखी थी इन्होंने 1930 ईस्वी में। ठीक है, और ये ब्रज भाषा की आपकी रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी रस कलश जो है रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, सन 1930 में लिखी गई है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आपका, मित्रों मर जानी है, कंठ गुलाम है, चाक है या आवाज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मित्रों मर जानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ये लिखी गई है जो ये उपन्यास है आपका सन 1967 का है, 1967। ठीक है, और यह बेसिकली आपकी बात करते हैं कृष्ण, नाम याद कर लीजिएगा, कृष्ण सोबती का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? कृष्ण सोबती का उपन्यास है आपका, और इसे स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला
शंकर शेष का नाटक है आपका एक और द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं, अमरकांत है, या मोहन राकेश है, या आपका क्या हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, और आपको मालूम है मैला आंचल इनका एक बहुत ही एक फेमस उपन्यास है। क्या है? मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल जो उपन्यास है वो भी किसने लिखा है? आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रत्न मिला है। ठीक है, चलिए इसका जो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? त्रिलोचन जी की हैं, नागार्जुन जी की हैं, केदारनाथ की हैं, या रघुवीर सहाय जी की हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, आपका त्रिलोचन जी की है। ठीक है, और त्रिलोचन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कवि कैसे, ये कृतियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? त्रिलोचन जी की हैं। ठीक है, त्रिलोचन जी का देखिए वास्तविक नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कभी कभी वास्तविक नाम, तो आप सभी को मालूम है त्रिलोचन जी का जो वास्तविक नाम है वो है वासुदेव सिंह। क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है, और ये प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, कौन से युग के कवि हैं? प्रगतिवाद के कवि हैं। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट नोट टाइप का बना दीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय जी हैं, सरस्वती संगम, प्रतीक, कविवचन सुधा, या हंस। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है, तो इसका हम लोग जो राइट आंसर की बात करते हैं, देखिए उससे पहले त्रिलोचन जी का एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वासुदेव तो है ही है, साथ में त्रिलोचन जी को देखिए आपको मालूम है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और ये मिला है सन 1918 में। एक क्वेश्चन था कि त्रिलोचन जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस सन में मिला था? ये 1948 की है। ठीक है, एक सॉरी 1981। ठीक है, और किस कृति के लिए मिला या किस काव्य संग्रह के लिए मिला था? तो आपको ये देख लीजिएगा ध्यान से, ताप के ताए हुए दिन के लिए। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन के लिए, इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1981 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये जो इनकी कृतियां हैं इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको देख लीजिए, इसमें से आप छाट लीजिए। ठीक है, जो भी आपको मालूम हो बस वो देख लीजिए, ऑप्शन बाद में चेक करिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हम लोग सभी को पता है, कविवचन सुधा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा। ठीक है, आप सभी को मालूम है प्रेमचंद जी का आपका क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ लिखा है, यानी ए का हो जाएगा आपका फोर्थ और बी का हो जाएगा फिफ्थ। ये किस में आपका दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फिफ्थ, और कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। बाकी आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय जी का मालूम हो ना हो आप लगा सकते हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपका फेमस है सरस्वती, ये सभी को याद रहता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का संबंध नहीं है? तो आपका अवधी का संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अवधी है वो आपका पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली कहा जाता है। क्या है? पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें क्या हुआ था, इसमें आदिकाल को वीर काल तथा रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, देखिए आदिकाल को आपका वीर काल कहा गया। क्या कहा गया? आदिकाल को वीर काल कहा गया, और साथ में रीति काल है ये आपका, रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ एकांकी दी है आपकी, एकांकी दी है। ठीक है, और ये आपका कारों का आपका नाम है। ठीक है, आपको जो है मैच करना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पहला है, देखिए शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये जो है मोस्टली लोगों को मालूम होता है, सेठ गोविंद दास जी। ठीक है, बड़े फेमस थे
शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास जी, यानी बी का आप देख लीजिए पांचवा कौन कौन से ऑप्शन में है। तो अगर इस टाइप के ऑप्शन आएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए बी में सिर्फ पांचवा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में नहीं है, तो आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई एक भी आपको याद होगा ना तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ना इस वीडियो में, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये कोई मॉडल पेपर से नहीं उठाया गया, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर जिन लोगों ने इससे पहले नेट का एग्जाम दिया होगा उनको मालूम होगा ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल्ड टू सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको जरूर देख लें। ठीक है, थैंक यू।